उसके बाद एनसीईआरटी के नेक्स्ट साइंटिस्ट है मेलविन केल्विन, उन पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दो तीन उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो कार्बन 14 का कार्बन का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था उसको, जैसे रेडियो एक्टिविटी उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर टू में हिरोशिमा नागासाकी में जो ईल इफेक्ट में यूज़ किया जा रहा था उसको इन्होंने बेनिफिशियल यूज़ में लाने का सोचा, यानी कार्बन 14 से इन्होंने रेडियो एक्टिविटी ट्रेस कर जो केल्विन साइकिल मैप किया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। जो आइसोटोप यूज़ किया था कार्बन का वो है कार्बन 14, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि इन्हें नोबेल प्राइज़ किस चीज़ के लिए मिला था। नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला था मैपिंग द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमुलेशन इन फोटोसिंथेसिस, यानी कार्बन का एसिमुलेशन जो फोटोसिंथेसिस में हो रहा है उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1961 में। और इन्होंने कौन सा प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो दिया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस ये भी मेलविन केल्विन द्वारा दिया हुआ, ये क्वेश्चन बन सकता है।